गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। मैं आप सभी का स्वागत है और अभी हम लोग रेडी हो गए और देख सकते हैं गाइस, सब लोग रेडी हैं। यहाँ अनीशा है और आज सुबह के कितने बज रहा है? साढ़े तीन बज रहा है और अभी हम लोग जा रहे हैं कब्रिस्तान जा रहे हैं। और अभी हम लोग सब लोग रेडी होके बाहर निकल रहे हैं चलिए तब निकलते हैं गाइस बाहर की ओर। देख सकते हैं ये रहा हम लोग का फूल। रुको रुको इधर देखो छोटी हने पुट्टे में अभी हम लोग निकल रहे हैं सब लोग बाहर में, तो लाइट नहीं है। देख सकते हैं गाइस हम लोग अभी जा रहे हैं सब लोग बाहर में, तो लाइट नहीं है। यहाँ पे लाइट है तो यहाँ पे दिख रहा है छोटी है और बड़े लेकिन देख रहे हैं छोटी है राइट साइड में, बीच में भैया है, लेफ्ट साइड में भाभी है। देख सकते हैं फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुंच गए हैं और कंडल जला रहे हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स कंडल जला रहे हैं नायडू। देख सकते हैं अभी अगरबत्ती जला रहे हैं। देख सकते हैं अगस्टिन बहुत खुशी में है। छोटी
आप लोग देख सकते हैं इसमें क्रूस नहीं बनाया हुआ है और क्या रीजन है, क्या रीजन है आप लोग को बता ही देते हैं। तो बताओ किस लिए नहीं बना? अभी आप लोग देख सकते हैं इसमें, इस कब्रिस्तान में क्रूस नहीं बना है। तो इसमें क्या रीज़न है कि इसमें रीज़न यह है कि जितने लोग बपतिस्मा नहीं लिए होते हैं और वो लोग डेथ कर जाते हैं तो हम लोग क्रूस नहीं बनाते हैं। और जितने लोग हम लोग क्या किसी को भी बनाना नहीं चाहिए? हाँ, किसी को भी बनाना नहीं चाहिए क्योंकि वो हम लोग का रिवाज है, क्योंकि वो तो प्रभु को ग्रहण नहीं किया था और प्रभु को जानता भी नहीं था और वो डेथ कर गया है इसकी वजह से, और इसमें क्रूस नहीं बनाया गया है। तो ये मेरी बुआ थी, वो डेथ कर गई थी बिना बपतिस्मा लिए ही, इसलिए इसमें हम लोग क्रूस नहीं बनाते, यही रीज़न है। इससे अगर अधिक जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए और मैं बताने के लिए रेडी हूँ। तब तक के लिए बाय। तो फ्रेंड्स, आप लोग को पता चल ही गया क्यों नहीं बनाते हैं। हम बहुत जगह देखे हैं कि सब लोग बनाते हैं, बच्चे का या बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि नहीं बनाया जाता है, पर कहीं कहीं ऐसा होता है कि ना जानने के वजह से लोग बना देते हैं, क्योंकि हम लोग मसीह में है करके लोग बना लेते हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं है, जब बपतिस्मा ना लिया हो लोग कृपया करके ना बनाए। और देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है यहाँ का नज़ारा। सब लोग कैंडल जला दिए, देख सकते हैं गाछ कितना अच्छा दिख रहा है। देख सकते हैं आप लोग एक बार लास्ट टाइम यहाँ पे चर्च हो गया थोड़ा, और लास्ट में दिखा देते हैं आप लोग को पूरा। यहाँ का लास्ट टाइम देख सकते हैं, अभी सब लोग बाहर निकल गए हैं और अभी हम लास्ट टाइम दिखाएंगे आप लोग को। यहाँ का नज़ारा काफ़ी सुंदर है और देख सकते हैं गाइस बहुत ही सुंदर। फ्रेंड्स अभी मज़ापे कवर में और मज़ाक अभी सामान को चला चाबा गिरजापे मज़ को बना कदा उदू में पे दादी जी है ये वाला देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मेरा नहीं, देख सकते हैं गाइस ये नायडू की दादी की कब्र है।
और देख सकते हैं काफ़ी सुंदर से बनाया गया है, एकदम मुझको छपा को जल रहा पे मज़ चलो और दादी अंजल करता पे नायडू की दादी और दिखाएंगे और उसके पापा और बड़े पापा दादाजी का कौन बोला है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं ये सामने में है, ये बोला ये दादाजी का है, और ये मेरे ससुर जी नायडू का पापा। तो अभी मज़ा पे आप कितना मज़ तीना पर्व मना रहा है और तीन बड़ा गया पे ईस्टर चेक को मना तीन दो अब प्रभु जीशु मसीह जीवना और ईस्टर पर्व को मना थे तो फ्रेंड्स सब लोग जानते हैं गुड फ्राइडे हम लोग मनाए थे, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस किया गया था उसी के नाम से हम लोग गुड फ्राइडे मनाते हैं। और आज हम लोग मनाए हैं ईस्टर पर्व कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं आज के दिन, तो इसलिए हम लोग ईस्टर मनाते हैं, आप लोग को भी पता ही होगा। और इसलिए हम लोग ईस्टर पर्व मनाते हैं, तो आप लोग को पता है कि नहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कौन सा फूल को सजाया जाता है ईस्टर डे के दिन, वो आप लोग को दिखाएंगे क्योंकि फूल तो अनेक तरह के होते हैं है। फूल तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन आज के दिन में किस तरह का फूल से सजाया जाता है चर्च, वही अब्दुल आप सबों को हम दोनों दिखाने वाले हैं। तो ले चलते हैं, हाँ फूल तोड़ा जा रहा है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं जो पीछे लोग पीछे सब लोग के पास खड़े हैं, सब लोग फूल तोड़ रहे हैं और देख सकते हैं गाइस लोग सुन रही है फूल और कमेंट करके बताएगा कौन सा फूल है। तो आप लोग कौन सा फूल से आज का दिन में चर्च को सजाते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स देख सकते हैं बहुत सारे बंदे लोग चढ़े हैं ऊपर, फ्रेंड्स देख सकते हैं ये कौन सा फूल है आप लोग जरा कमेंट करके बताइए। यही फूल से हम लोग चर्च को सजाते हैं। और आप लोग कौन सा फूल से आज का दिन में चर्च को सजाते हैं तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। सजाया जाता है हम लोग तो ये वाला फूल से लगाते हैं और देखने में कैसे लग रहा है और कौन सा फूल है वो जरा कमेंट करके बताइए। हम लोग तो यही फूल से सजाते हैं हमेशा, लेकिन अभी फूल लग रहा है कि झड़ चुका है, नहीं अभी खिल रहा है कुछ इतना पूरा खिला नहीं है तो इसीलिए इस तरह दिख रहा है। देख सकते हैं भाई बंधु लोग नीचे आ गए हैं। फ्रेंड्स हम लोग अभी खाना खा रहे हैं, अरे लेट रहा हम लोग खाने के लिए बैठेंगे बैठ रहे हैं, अब खाना और खाएंगे और जाएंगे चर्च। देखो देखो हम तो बहुत सारा खाना खाते हैं इसलिए एक प्लेट दिया है, एक प्लेट भी छोटा हो गया, दाल मीट ये देखो अगस्टिंग का खाना, अगस्टिंग एक बार देखो नायडू जी से बैठे भी नहीं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं खाने के बाद, तब तक शांति बनाए रखे। तो फ्रेंड्स अभी हम सभी लोग रेडी हो गए और हम लोग चर्च जाने वाले हैं, तो टाइम भी हो गया है, चर्च का टाइम हो गया, हम लोग अभी निकल रहे हैं। देख सकते हैं आंगन में अनिशा खड़ी है और यहाँ दरवाजे के बाहर हैं और अंदर में हम लोग हैं अगस्टिन देखो अगस्टिन इसका बाइबल देखो, हाय मैं हाय करो हाय जा जला करना चलो। तो हम सब लोग निकल रहे हैं देख सकते हैं
देख सकते हैं सब लोग जा रहे हैं हम लोग। बाबू को दिखाओ। है बाबू बोला हम लोग जा रहे हैं चर्च की ओर। भैया देख रहे हैं ये नया चर्च बन रहा है, बहुत ही बड़ा बन रहा है और इधर ही गेट है। चर्च भी हम लोग खत्म हो गया है। अभी हम लोग का चाय पार्टी होने वाला है, अभी हम लोग बाहर में सब कोई शरबत और नाश्ता सब लोग आराम कर रहे हैं और हो रहा है। फ्रेंड्स हम लोग अभी घर आ गए हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो में इतना है। तो आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ना भूलें। और बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।